हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ की 15वीं आम वार्षिक बैठक धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आयोजित होगी। यहां जारी बयान में जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के सचिव सुमित शर्मा ने बताया कि ये बैठक सितंबर माह में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते कोविड-19 के तहत बने नियमों के कारण इस बैठक की अवधि को नियमानुसार दिसंबर महीने तक बढ़ाया गया था। उन्होंने बताया कि इस बैठक में पिछले वर्ष संपन्न हुई क्रिकेट की अंतर जिला व राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचली गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। वार्षिक वित्तीय बजट को अनुमोदित किया जाएगा और अन्य प्रशासनिक निर्णय जो नियमित क्रिकेट गतिविधियों को चलाने में सहायक होंगे, उन विषयों की चर्चा भी इसी बैठक में की जाएगी। उन्होंने बताया कि गत 9 महीनों से कोविड महामारी के कारण सिर्फ हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में क्रिकेट की खेल गतिविधियां अभी तक थमी पड़ी हैं। हालांकि अक्टूबर माह में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा एडवाइजरी सभी राज्य क्रिकेट संघों को जारी की गई थी, उसी एडवाइजरी के अनुरूप हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने भी अपनी अपेक्स काउंसिल में से 3 सदस्यीय 2 अलग अलग समितियों का गठन किया था। उन समितियों को BCCI, हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग और केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश अनुसार हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के लिए भी मानक संचालन प्रक्रिया बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। इस बैठक में उस SOP समिति की रिपोर्ट पर भी विचार होगा। सुमित ने बताया कि BCCI ने हाल ही में अपने SOPs के अनुरूप IPL के 13वें संस्करण का दुबई में सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न किया है। उन्होंने बताया कि जनवरी माह में BCCI ने संभावित घरेलू क्रिकेट सत्र को शुरू करने के लिए सभी राज्य संघों से अपना निजी मत रखने की बात कही थी। ऐसे तमाम विषयों को लेकर HPCA भी अपनी तैयारियों के संदर्भ में इसी आम वार्षिक बैठक में चर्चा करेगा। सुमित ने बताया कि इस बैठक में अरुण सिंह धूमल BCCI के कोषाध्यक्ष बनने के पश्चात अपने मूल प्रदेश संघ की किसी भी बैठक में पहली बार शामिल हो रहे हैं। वर्णनीय है कि गत 9 महीने से किसी भी तरह की क्रिकेट गतिविधि कोरोना महामारी के चलते कम से कम हिमाचल में नहीं हो पाई है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ की सालाना आम बैठक 15वीं यहां हिमाचल प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम धर्मशाला में होगी और इस बैठक में हिमाचल प्रदेश से हमारे वरिष्ठ डायरेक्टर श्री अरुण सिंह धूमल, जो कि BCCI में कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, वो भी पहली बार अपनी इस होम एसोसिएशन में इस बैठक में शिरकत करेंगे। इस बैठक का मेन प्रारूप तो यही रहता है कि पूरे वर्ष भर में क्या हमारी गतिविधियां रहीं पिछले वर्ष में और आने वाले समय में हमें क्या प्लान करना है और किस प्रकार से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। लेकिन कुल मिलाकर के आप जानते हैं कि पिछले 8-9 महीने का जो कार्यकाल रहा वो कोविड महामारी के कारण क्रिकेट ही नहीं पूरा विश्व ही थम गया था। लेकिन धीरे धीरे रूटीन पे चीज़ें आनी शुरू हुई हैं और उसी कड़ी में BCCI ने भी कुछ SOPs हमें अक्टूबर महीने में जारी किए थे कि आप प्रदेश सरकार, आपकी स्थानीय प्रदेश सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो समय समय पे आपको गाइडलाइंस आई हैं उन गाइडलाइंस के आधार से अपना एसोसिएशन भी अपना एक SOP तैयार करे। तो हमने उसके लिए कमेटी का गठन किया था, उस कमेटी की फाइंडिंग रिपोर्ट्स हमें आ गई हैं, उसको भी हम कल चर्चा में लाएंगे और उस चर्चा के आधार से अभी BCCI का एक और हमें एक मतलब एडवाइजरी आई है कि जो अभी इस जो सेशन हमारा मार्च तक जो चलने वाला है उसको हमने दोबारा शुरू करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि BCCI ने 13वें IPL संस्करण का बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजन दुबई में किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस 13वें संस्करण में BCCI ने नंबर ऑफ टेस्ट RT-PCR के किए हैं और बिना किसी को कोई पेशेंट मिले एक सफल आयोजन उसमें किया है। तो BCCI उस टूर्नामेंट के सफल आयोजन से उत्साहित होकर के एक डोमेस्टिक जो हमारा क्रिकेट सेशन है उसको शुरू करने का एक जनवरी महीने में कोशिश करेगी। तो उसके लिए भी हमें जो एडवाइजरी आई है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और कुछ सामान्य अदर विषय जो रहते हैं जो संबंध क्रिकेट एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए हमारे प्रशासनिक और फाइनेंशियल जो डिसीजन होते हैं उन सब भी इस बैठक में चर्चा में आएंगे।